चलो जी हाँ जी जिसकी मोमेंट एक मिनट हाँ। हाँ। हाँ, उसकी शादी हो जाएंगी तक के थे हम याद आ रहे है तुमको हाँ अच्छा गुड मॉर्निंग जी हाँ जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके लिए फास्ट फास्टैग फ्री है हमारे लिए उससे वैल्यू बढ़ जाएगी प्लीज उतना सा काम कर दीजिए ये आपको रोज रोज ना बोलना पड़े ये ज्यादा बेटर है राइट क्या है आकर के आप फ्री देख लें एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता पर हमारे वीडियो को रीच मिलती है जिससे हमारा फायदा होता है बस इतना ही पॉइंट है बाकी कुछ नहीं समझदार आप खुद है बाकी ठीक है हाँ जी तो अपन ने मस्त प्रॉब्लम सॉल्व किया था याद है एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो क्या किसी ने कुछ आंसर निकाला कोई जवाब निकाला हाँ जी मेरे को इनकम बताओ कितनी है तो दस लाख अस्सी हजार सात लाख बीस हजार और हम्म बराबर एशिका ने जवाब निकाला है छे लाख छ लाख क्या चलो जी आंसर इस सिक्स लैख एंड फोर लैख आंसर इस सिक्स लाख एंड फोर लाख पूछो कैसे आपका कंबाइंड इनकम जो है ये निकलेगा दस लाख रुपए अंडरस्टैंड ये जो मेथड ऑफ एग्री ये जो आप कंपोजिट इनकम लगा रहे हो ये एग्रीकल्चर में जो आप कंपोजिट इनकम लगा रहे हो ये किसके लिए है अदर देन टी कॉफी रबर जहां हम फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं कंसिडर जहां हम फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं कंसिडर अब ध्यान से सुनिएगा पे fair market value का तो काम ही नहीं है, एक्सपेंसिस आपका टोटल इनकम आएगा और उस टोटल इनकम को आपको 60 और 40 पे डिवाइड करना है यहां पे इतना सब काम ही नहीं है सीधा रिसीट माइनस एक्सपेंसेज रिसीट माइनस एक्सपेंसेस जो बचाएगी आपका ग्रॉस अमाउंट बचेगा ग्रॉस अमाउंट हैज़ बी डिवाइडेड इन 60 और 40 सो लेट मी टेल यू कितने में अपना प्रोडक्ट बिका था अगर अब 18 लाख कान खाली आवाज़ कड़े सेल वैल्यू टोटल कितने का हुआ 42 टू लैक्स आर यू गेटिंग द पॉइंट यस सेल वैल्यू कितने का हुआ फोर्टी टू स्ट्रेट अवे अब यहां पे आप एग्रीकल्चर अलग से सेल किया वो अलग से सेल किया वाला मैटर ही नहीं है क्योंकि आपने कंपोजिट सेल किया ये माना जा रहा है आपने क्या सेल किया कंपोजिट सेल किया ये माना जा रहा है अब ध्यान से सुनना आपने सेल कितना किया 40% ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड एट 42 लाख प्लस कितने लाख रुपीस 18 लाख क्योंकि देख टोटल सेल वैल्यू कितनी है प्लस परसेंट की सेल वैल्यू कितनी थी 18 uh, 40 की सेल वैल्यू भी, भी कितनी थी फॉर द फोर्टी परसेंट इज एटीन लैख फॉर द बैलेंस परसेंट इज फोर्टी टू लैख ये टोटल सेल वैल्यू हो गया इसमें से आप सीधा सीधा क्या माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अब बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना हुआ यह आया 42 टू प्लस एटीन यह आया 60 लाख बराबर है ना इसमें से पहले 40 परसेंट का कॉस्ट कितना था बेटा 12 लाख बराबर प्लस दूसरे का कितना था 19 लाख इज इट थर्टी वन लैख टोटल इसमें से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना था वॉज इट वन लैख आपका यहां पर नेट पी जीबीपी निकल जाए नेट ग्रॉस रिसीट निकल जाएगा बताओ नेट कितना बनेगा आपका इज इट ट्वेंटी एट लैख ट्वेंटी एट आपका नेट बनेगा इसका आप क्या करोगे सिक्सटी एंड फोर्टी समझ में आया यहां मेथड ऑफ एग्रीगेशन आना ही नहीं है यहां मेथड ऑफ एग्रीगेशन आना ही नहीं है किस एस्पेक्ट में पहले एस्पेक्ट में आप जो कंपोजिट करते हो कंपोजिट नहीं आएगा क्योंकि यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कहीं पे भी कंसिडर होने वाला नहीं सीधा सेल वैल्यू सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करो कैसे नेट प्रॉफिट निकलता है अब 28 लाख रुपए का 60 परसेंट बताओ कितना निकलेगा तो 16 लाख एटी थाउजेंड आपका क्या बनेगा बोलो जल्दी से एग्रीकल्चरल इनकम माइनस ट्वेंटी लाख इलेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड क्या बनेगा आपका बेटा पीजीपीपी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस यस सीधा सीधा मतलब टी कॉफी रबर है तो आपको वो फेयर मार्केट वैल्यू को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है सीधा वॉट एवर इज रिस माइनस वॉट एवर इज एक्सपेंडेड नेट रिसीव नेट रिसीव का सिक्सटी फोर्टी करना काम खत्म कर देना आपने अब आपको एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों मिल गया क्या आप मेरे साथ इसके ऊपर टैक्स निकाल सकते हैं बेटा ये सुनो, क्या आप मेरे साथ इसके ऊपर टैक्स निकाल सकते हैं बोलो टैक्स कितना आएगा स्टेप नंबर वन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज इट ट्वेंटी एट लैख बरबर है स्टेप टू कितना होगा बोलो स्टेप कितना होगा? 28 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो बचे हुए पे 30 आपका जो टैक्स आता आता है है वो स्टेप थ्री एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम लिमिट सिक्सटीन लैख थाउजेंड प्लस थ्री लाख सर असेसी सीनियर सिटीजन थोले ने आई नो असेसी सीनियर सिटीजन नहीं है पर बेसिक एक्साम्स लिमिट 115 बीएससी में कितना है थ्री लैक्स सो 16 लैक्स 80,000 प्लस थ्री लैक्स टोटल कितना होता है बेटा 19 लैक्स 80,000 स्टेप फोर टैक्स तुम तो डर रहे थे 115 एंड से अब धनाधन टैक्स निकाल रहे हो इज इट टू लैक नाइनटी फोर थाउजेंड स्टेप फाइव डिफरेंट टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड मैं सवाल पूछना चाहता हूँ क्या रिबेट मिलेगा क्या रिबेट मिलेगा क्या सरचार्ज लगेगा क्या सरचार्ज लगेगा पक्का तो सीधा एच ई सी एड कर रेट ऑफ फोरसेंट मस्त प्रॉब्लम था ना अरे कभी तो अप्रीशियट कर लो जीवन में हास्तर मस्त चीज दिया था इतना भी अप्रीशियट नहीं करना था जितना तुम कर रहे हो पर आप ये देखो हमने एक ही प्रॉब्लम लिया जिसमें अमेंडमेंट भी कवर हो गया कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड क्या सीखा मेरे बच्चे ने इस प्रॉब्लम से भारत के बच्चे ने ये सीखा भैया अगर टी कॉफी रबर का क्वेश्चन है तो वहां पे वो फेयर मार्केट वैल्यू का कहीं कोई लेन देन नहीं रिसीट माइनस एक्सपेंसेस नेट नेट का सीधा क्या कर देना सिक्सटी फोर्टी समझ में आई बात ये नो राइट आप अपने मॉड्यूल में जाना जो नया मॉड्यूल आपको इश्यू हुआ है ना इसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो रबर पे दिया है छोटा सा क्वेश्चन है

एग्रीकल्चर में वापस चलते हैं सर एग्रीकल्चर तो खत्म हो गया होगा ना मुन्ना ना एग्रीकल्चर में बहुत कुछ बाकी है अभी पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ एग्रीकल्चर का ठीक है बताइए एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है स्टेट के पास यस और नो राइट सर मेथड ऑफ एग्रीगेशन कब अप्लाई होगा विवेक बेटा अगर आप इंडिविजुअल एच यू एफ एपी बीवाई एजेपी हैं आपकी एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार रुपए से ऊपर है और नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जाम्सन लिमिट से ऊपर है तो आप पे मेथड ऑफ एग्रीगेशन अप्लाई होगा कल हमने यही लिखा के दिया राइट right? स्टेट के पास है अच्छा मुझे एक बात बताइए इज एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम यस बट इज इट इनडायरेक्टली टैक्सेबल यस एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है क्या वो टैक्सेबल इनकम से माइनस हो सकता है नहीं एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरन से आ रही होगी तो इज इट टैक्सेबल और रेवेन्यू डिराव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एन एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम फार्म हाउस फार्म बिल्डिंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम यस इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन वीफाइंड नहीं है तो अगर एस एस सी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में होगा तो एग्रीकल्चर बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट में होगा तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और अगर दोनों में होगा तो कैसे निकालेंगे कंपोजिट कंपोजिट के लिए सबसे पहले टी कॉफी रबर के लिए उन्होंने परसेंटेज एक्सप्लेन किए हैं यस अगर टी कॉफी रबर नहीं है तो क्या निकालने का भी तरीका बताया हुआ है यस यूजिंग फेयर मार्केट वैल्यू क्लियर है

अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर का पोर्शन तो हमने पूरा खत्म कर दिया लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज एग्रीकल्चर में लिखनी बाकी है और एक बहुत ही जरूरी चीज एग्रीकल्चर से ही समझनी बाकी है एग्रीकल्चरल लैंड दो प्रकार के होते हैं एक होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड याद आ रहा है आप सभी को राइट रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैसे डिवाइड करते हैं ये कंसेप्ट हमें कहाँ काम आता है ये कंसेप्ट हमें काम आता है कैपिटल गेन में ये कंसेप्ट हमें कहाँ काम आता है कैपिटल गेन राइट तो गिव द हेडिंग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड गिव द हेडिंग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ओके ओके अंडरस्टैंड कीजिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नाम किसे कहते हैं देखिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वर्ड डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वर्ड एक्ट के अंदर में डिफाइंड नहीं है तो सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ही डिफाइंड है तो अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं प्लीज जरा ध्यान से सुनना सपोज ये आपका मुंसिपल एरिया कैंटोनमेंट एरिया है राइट जिस शहर के अंदर में मुंसिपल कॉरपोरेशन नहीं होता कई बार उस शहर को कंट्रोल आर्मी करती है और उसे हम कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड कैंप

म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर में आ रही होगी तो इस लैंड को हम क्या कहेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ठीक है मालिक इस लैंड को हम क्या कहेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से अप टू टू किलोमीटर यहां से अप टू टू किलोमीटर इफ पॉप्युलेशन एनी वन नॉट एक्सीड बोलो टेन थाउजेंड तो वो क्या बन जाएगा रूरल तो वो क्या बन जाएगा रूरल अगर पॉपुलेशन दस हजार से ऊपर नहीं जाती तो वो क्या बन जाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अच्छा जी सर सर आपने कहा कि अगर दस हजार से ऊपर नहीं गया तो वो क्या माना जाएगा रूरल माना जाएगा मैंने कहा हाँ बढ़िया बराबर है तो सर मेरे को एक बात बताओ मान लो अगर मेरी लैंड जो सिचुएटेड है ये 1.7 किलोमीटर पे सिचुएटेड है और वहां की पॉपुलेशन है 9000 ये लैंड अर्बन कहलाएगी या रूरल कहलाएगी रूरल कहलाएगी यही 19000 है तो क्या कहलाएगी अर्बन दो तो सवाल आपके मन में आना चाहिए पॉइंट नंबर वन हम लैंड की बात कर रहे हैं तो इसे नंबर्स में मत देखो 1.7 किलोमीटर, किलोमीटर 1.7 और 2 किलोमीटर में भी बहुत फर्क है पॉइंट थर्टी का फर्क नहीं होता वहां सिर्फ मैथ्स के हिसाब से चलने में बहुत बड़ा फर्क होता है तो इसे थोड़ा सा रैशनली अंडरस्टैंड करना राइट right? दूसरी चीज इन्होंने पॉपुलेशन अप टू एनी वन सिक्स किलोमीटर डज नॉट एक्सीड बोलो बेटा वन लैक तो इसे क्या माना जाएगा रूरल मान लीजिए मेरी लैंड जो सिचुएटेड है ये फोर किलोमीटर पे सिचुएटेड है बराबर है ये फोर किलोमीटर पे सिचुएटेड है यहाँ की पॉपुलेशन है नाइन्टी थाउजेंड बोलो अर्बन या रूरल रूरल और यही वन लैख नाइन्टी थाउजेंड होती तो क्या हो जाती अर्बन यहाँ तक के सबको समझ में आ रहा है यस तो अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है ये कहाँ आपकी लैंड सिचुएटेड है उसके बेसिस पे आप में से कोई नालायक मुझसे पूछ सकता है मान लो मेरी लैंड फोर किलोमीटर से चालू हो रही है और सेवन किलोमीटर तक के मैं बोल रहा हूँ पहले सोच क्या बोल रहा है समझ आ रहा है पहले सोच क्या बोल रहा है है ना कोई भी व्यक्ति जब लैंड एक्वायर करता है ना वो ऐसे एक्वायर नहीं होती ऐसे एक्वायर होती है ठीक है फिर भी मान लो नहीं हमने ऐसे ही एक्वायर किया हमारा ऐसा ही चे हमारा ऐसा ही चे बराबर बरे आमी गुंटे करी जिधर तक देखोगे सब हमारा है ठीक है अगर ऐसे भी एक्वायर किया तो आप टू किलोमीटर का क्राइटेरिया लगना चाहिए सिक्स किलोमीटर का सिक्स किलोमीटर का हायर क्राइटेरिया लगना चाहिए तीसरा क्राइटेरिया आपको दिया जाता है अप अप किलोमीटर राइट किलोमीटर इफ पॉप्यूलेशन नॉट एक्सीड नॉट एक्सीड टेन लैक्स तो वो एरिया क्या माना जाएगा रूरल माना जाएगा तो मान लीजिए मेरा लैंड सिचुएटेड है, 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 है? है इसको याद करते बैठता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको जो काम की चीज है ना वो ये नहीं है एग्जामिनर कभी भी तुम्हारे को ये नहीं पूछने वाला है ये बताइए अर्बन है या रूरल क्योंकि इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पूछो क्या तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है जब आप सी ए बन जाएंगे सी एस ए बन जाएंगे एज द केस में भी तब आप ये ऐसा कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे आप स्ट्रेट अवे रेकनर पे जाएंगे कहा जाएंगे रेकनर क्या आपको समझता है रेकनर मतलब क्या होता है? होता है है जो पे रजिस्ट्री ऑफिस ना वहां पे रेकनर पड़ा होता है जो वहां पे रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहां पे क्या पड़ा होता है बेटा रेकनर और वहां पे क्लियर कट आपके प्रॉपर्टी का हिस्सा नंबर सर्वे नंबर के हिसाब से क्लियर कट लिखा होता है ये अर्बन है या रूरल तो हम ये कैलकुलेशन में पढ़ते ही नहीं तो हमें सर सिलेबस में दिया क्यों है ये टू किलोमीटर एट किलोमीटर ये सब आपको दिया है कैपिटल के इन के हिसाब से ये बनाया आपने नहीं बनाया ना पहले ये बना लो पहले बनाओ सिपल एरिया के अंदर में हमेशा क्या आएगा अर्बन अप टू टू किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड अप टू सिक्स किलोमीटर द क्राइटेरिया इज वन लैख अप टू एट किलोमीटर द क्राइटेरिया इज टेन लैख इज़ दट डन चलिए सर अब सवाल ये है अब सवाल ये है कि आ, सर हमने तो क्लास में अलग इंटरप्रेट कर लिया था इसका कोई बात नहीं बेटा गलतियाँ होती है तभी तो आप फास्ट ट्रैक में सुनो तो अगली बार स्मार्ट डिसीजन लेना समझना तो अब इसका मीनिंग समझ में आया सभी को अब एक क्वेश्चन समझिए प्लीज़ हम ये अर्बन रूरल अर्बन रूरल कर क्यों रहे एग्जैक्टली exactly जो आपको एग्जाम पेपर में आने वाला है हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं ये अर्बन और रूरल से सर धरती पे क्या फर्क पड़ जाएगा हम बताते हैं आपको राइट मान लीजिए अगर ये अर्बन लैंड है मान लीजिए ये रूरल लैंड है ठीक है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आप लिखेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के साथ आप तीन ही चीज कर सकते हो बताओ खेत के साथ क्या हो सकता है तीन ही चीज हो सकती है पहला खेत से क्या आ सकता है एग्रीकल्चरल इनकम नो एग्रीकल्चरल इनकम दूसरा खेत से क्या आ सकता है सर दूसरा आपने इसे सेल कर दिया बराबर तीसरा क्या हो सकता है इसका कंपल्सरी एक्विजिशन बराबर है ना लैंड से तीन ही चीजें पॉसिबल है चौथा अगर इनकम ही नहीं आ रही तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे इसलिए चौथा बना नहीं रहा तो अर्बन लैंड से इन टोटल कितनी चीजें पॉसिबल है सिर्फ तीन चीजें पॉसिबल है बताइए कौन कौन सी तीन चीजें पॉसिबल है पहली चीज बराबर है आप या तो इस लैंड को सेल कर देंगे दूसरी चीज या तो आप क्या करेंगे सर इसे कंपल्सरीली एक्वायर करेंगे तीसरी चीज आप क्या करेंगे सर एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करेंगे ये तीन चीज पॉसिबल है तो डोंट यू थिंक रूरल से भी यही तीन चीज पॉसिबल है या तो आप इससे एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर लेंगे या तो आप इसे क्या कर देंगे सेल कर देंगे या तो आप इसे क्या करेंगे कंपल्सरीली एक्वायर करेंगे पर ठीक पर है चलो एग्रीकल्चर इनकम आई तो ये क्या होगी मालिक एग्जाम चाहे वो रूरल से आ रही हो चाहे वो अर्बन से आ रही हो ये ठीक है तो एग्रीकल्चर इनकम वेदर फ्रॉम रूरल एरिया और वेदर फ्रॉम अर्बन एरिया दोनों भी क्या है? मालिक है अच्छा सर अगर सेल हो रहा है तो रूरल लैंड सेल हो रहा है तो देर इज नो कैपिटल गेन पूछो क्यू बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल असेट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन टू फोर्टीन

सिलेबस ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस उससे भी ओल्ड सिलेबस जिसमें मैं था उसमें भी नहीं था कभी इस पर इस पर आपको यह समझना अर्बन और रूरल क्यों पढ़ रहे हम भैया रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब आप सेल करते हो देर इज नो कैपिटल गेन वेर एज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन टैक्स आता है बिकॉज ये कैपिटल एसेट माना जाता है ये क्या माना जाता है कैपिटल एसेट अब सोच के देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरीली एक्वायर हो जाए नितिन गडकरी जी ने बोला कि भैया मैं इसमें इधर है ना नाइन लेन हाईवे बनाऊंगा हो सकता है ऐसा ना उनके राज में हो भी सकता है बोले मैं यहाँ नाइन लेन हाईवे बनाऊंगा कंपलसरी एक्वायर कर दिया अब क्या होगा देर विल बी नो कैपिटल गेन पूछो क्यों अभी जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन आएगा कहां से

सो अर्बन और रूरल पूरा चैप्टर समझ में आया दट हाउ बी कंप्लीट आर चैप्टर नंबर वन एस पर मॉड्यूल एंड विथ आस इट इज चैप्टर नंबर टू इज दट डन यस सर खत्म चलो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वैसे आपको एक अच्छी सी चीज बताना चाहूंगा अच्छी चीज दिखाऊं आपको एक अरे बहुत बहुत ही प्यारी चीज है नहीं नहीं प्लीज एक बार देख लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में भी आ जाए सो एवरीबॉडी लो जी नया धमाका आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का नया धमाका इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है सबको एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम जाएगी जून पे बिकॉज ऑफ इलेक्शन कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने ये आपकी एग्जाम डेट है विच इज अनाउंस्ड अब चलो एक नंबर ऑफ डेज भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं नहीं नहीं मैं क्या कहता हूँ कर ही लेते हैं ना छः दिन बचे जनवरी के फरवरी में इस बार ट्वेंटी नाइन आ रहा है मार्च के अंदर के थर्टी वन अप्रैल के अंदर के थर्टी कितना बेटा 96 डेज रिमेन इन दी एग्जामिनेशन नवंबर अटेम्प्ट है तो इसमें छह महीने और जोड़ देना 180 दिन और जोड़ देना बराबर है कि नहीं 180 दिन इसमें और जोड़ देना नवंबर 24 का अटेम्प्ट आ जाएगा तो मई 24 वालों अब भी तुम्हारा खून नहीं खोला तो खून नहीं वो पानी है फिर एक बार अटेम्प्ट लगा दिया तो बेकार ऐसी जवानी है

क्योंकि 2024 एक लीप ईयर बन रहा है वहां पे 365 के जगह 366 डेज आने वाले हैं तो इस चक्कर में आपके जो नवंबर 23 का मॉड्यूल है रेसिडेंशियल स्टेटस के काम करनी क्योंकि अब वो 366 के हिसाब से कंप्यूटेशन होने वाला है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस राइट अच्छा तो चलो आओ रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करते हैं अच्छा टेल मी फ्यू क्वेश्चंस एकदम क्विकली इज रेसिडेंस स्टेटस फॉर डिटरमाइन फॉर ईच पर्सन सेपरेटली यस yes. क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल डिटरमाइन किया जाता है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप वन एंड द सेम ये तो सेम ही कंसेप्ट है ना इज इट नॉट द सेम कंसेप्ट नो सर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप सेम कंसेप्ट नहीं है अच्छा क्या रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है आप जहां पैदा हुए उस बेसिस पे या नंबर ऑफ डेज स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री नंबर ऑफ डेज स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री उस बेसिस पे आपका क्या डिसाइड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है अच्छा जी सर इधर आ रहा हूं मैं जस्ट के मे मोमेंट ओके सर रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें सर रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो सर बताइए किस तरीके से डील होगा रेसिडेंशियल स्टेटस ना बेटा एक पढ़ने का तरीका बताता हूं यहां पे सेक्शन नंबर सिक्स से लेकर सेक्शन नंबर नाइन तक के हम लोग को पढ़ना है बराबर है लेकिन आप पहले छः पढ़ें छे के बाद आप यू uh, नो you know, पांच पढ़े पांच के बाद सात आठ नौ ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझ में आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एबीसी एनालिसिस पहले ही बता देता हूं ठीक है सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है सिक्स वन इम्पोर्टेंट है सिक्स वन ए इंपॉर्टेंट है इसके बाद में आपका सेक्शन नंबर नाइन इंपॉर्टेंट है सेक्शन नाइन में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है चार चीजें इंपॉर्टेंट है एक है इंटरेस्ट दूसरा है रॉयल्टी तीसरा है एफ चौथा है सैलरी सॉरी बिजनेस कनेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल स्टेटस में एग्जाम से पहले कुछ पढ़ना है तो इतना पढ़ना है यस is this done is this done chalo residential status total income of an assessee total income of an assessee cannot be determined unless we know residential status

क्या प्रोविजन थी पर्सन को दो केसेस में रेसिडेंट माना जाता है इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर याद आ रहा है अगर ये डेज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या माना जाता है नॉन रेसिडेंट यस और नो हमने कहा ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 तो ये जो 365 सिक्सटी होने चाहिए ये कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर होने चाहिए ये जो 365 सिक्सटी होने चाहिए ये भी कंटिन्यूस होने चाहिए क्या ये yes, सर ये भी कंटिन्यूस होने जरूरी है अच्छा बताओ ये जो वन डेज है ये क्या एक ही शहर में रहना जरूरी है या अलग अलग शहर में भी चलेगा

एक चार्ट बनाओ मेरे साथ सेक्शन सिक्स वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर बोलो बेटा इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल अ पर्सन कैन इधर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सेफाई करना है एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन एनी को हाईलाइट करना है इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आते हैं थियोरी स्टेज इन इंडिया किता कितना 180 या yeah 182, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर Sixty days in previous year and three sixty five days in four previous preceding year. If failed to satisfy बोलो सिक्स वन बराबर ये क्लियर है अब बताइए यहां से सिर्फ रेसिडेंट बना के काम चलने का या उसे आर ओ आर आर एन ओ आर भी बनाना पड़ेगा आर ओ आर आर एन ओ आर भी बनाना पड़ेगा आर ओ आर की कंडीशन कहां लिखी है सिक्स सिक्स चलो रिवाइज करके देखो आर ओ आर हम्म आर ओ आर के लिए कितने क्राइटेरिया थे रिवाइज 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 दो क्या दोनों सेटिस्फाई करना था सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन बोलो कौन सी दो कंडीशन थी पहला ही इज़ रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर दस में से कोई भी दो साल मेंस so में से कोई भी दो साल उसने रेसिडेंट होना है रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है सिक्स वन में लिखा है रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है बोलो बेटा सिक्स वन के अंदर में लिखा है ठीक है सर दूसरा एंड ही स्टेज इन इंडिया बोलो फॉर सेवेन थर्टी डेज इन सेवेन प्रीवियस प्रिसिडिंग ईयर ज डन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम इसे क्या मानते हैं आर एन हम इसे क्या मानते हैं आर एन ज दैट डन चलो डन चेक मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना पहला रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है ये आपने पूरा लिख दिया आर एन ओ आर के नीचे एक दो तीन चार पांच छह लाइन आपको खाली छोड़नी है ठीक है उसके नीचे नोट्स लिखना नोट नंबर वन उसके नीचे नोट लिखना नोट नंबर वन कंटिन्यूअस स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट Continuous stay at one place is not important. चलो दूसरा अब देखो इधर क्या लिखा है इससे काम नहीं चलेगा इसे आर ओ आर या आर एनओ आर बनाना पड़ेगा लेकिन क्या आप जानते हैं तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब सिर्फ वन एटी टू डेज होता है थ्री पर्सन रेसिडेंट मीन्स बोलो बेटा 182 एटी डेज ओनली एनीवन ये तीन पर्सन कौन थे पहला पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ करके जा रहा है किस लिए छोड़ करके जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए किस लिए छोड़ करके जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए तो 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट नहीं तो बोलो बेटा नॉन रेसिडेंट सेकेंड शिप क्रू मेंबर तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तीसरा क्या है बेटा सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो तीन लोग अगर इंडिया में है एटलीस्ट वन एटी टू डेज तो रेसिडेंट नहीं तो स्ट्रेट अवे क्या मान लिए जाएंगे नॉन रेसिडेंट अच्छा जी सर चलो आपको याद है शिप क्रू मेंबर के लिए नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करके जाए क्रू मेंबर्स नंबर ऑफ डेज किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है बताइए पीरियड मेंशन इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज एक्सक्लूडेड नंबर ऑफ डेज इन इंडिया एक रूल है रूल वन टी सिक्स जो कहता है जब आप शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है क्या बेटा उतना पीरियड जितना कहा लिखा है सी डीसी में लिखा है उतने पीरियड को आप क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे सी यस चलो आओ तो पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा फर्दर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आर ओ आर आर एनओ आर बनाना पड़ेगा एंड शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज काउंट करते वक्त हम उतना पीरियड जितना सी डी सी दैट इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेंशन है उतना पीरियड हम क्या कर देंगे एक्सक्लूड यस चलो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन टू अनिवाइडेड इंडिया पी आईओ इज अ पर्सन इज और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन टू अनडिवाइडेड इंडिया तो यदि वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में बॉर्न हुए होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम उसे क्या कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज दिस डन चलो आइए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू प्रॉब्लम नंबर टू बराबर रीड द प्रॉब्लम मिस्टर आलोक इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ शिप क्रू सिंगापुर बॉन्ड इंडियन शिप एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्राफिक डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई पोर्ट ऑन सिक्स जून 23 फ्रॉम फॉलोइंग डिटेलिंग स्टे इन इंडिया इन द लास्ट फोर इन फोर 400 डेज एंड लास्ट सेवन इयर्स इज 750 डेज मतलब सीधे शब्दों में एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि आर वाली कंडीशन तो है लेकिन आर ओ आर से पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा रेसिडेंट जब तक कि वो रेसिडेंट नहीं रहेगा तब तक हम उसका आर ओ आर कर सकते नहीं तो जिस दिन शिप एंटरड हुई थी वो था 6 जून 2023 और जिस दिन साइन ऑफ हुआ वो था 9th दिसंबर मतलब जितना पीरियड सीडीसी में लिखा है क्या इसे नंबर ऑफ डेज में से लेस किया जाता है यस तो आप मुझे बताइए हम टोटल नंबर ऑफ डेज कितने पकड़े साल में इस साल आप पकड़ोगे 366 क्यों पकड़ोगे क्योंकि लीप ईयर है क्यों पकड़ोगे बेटा ऐसा क्योंकि लीप ईयर है इसमें से उतना पीरियड माइनस कर दोगे जितना पीरियड कहां मेंशनड है सी डी सी बराबर है बताओ सीडीसी में कितना पीरियड मेंशन है जून के 25 जून के आपको कितने दिन पकड़ने पड़ेंगे 25 जुलाई के 31 अगस्त के 31 सितंबर के थर्टी अक्टूबर के थर्टी वन नवंबर के थर्टी दिसंबर के नाइन चलो ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस नाइन इज इट वन एटी सेवन थ्री सिक्सटी सिक्स में से वन एटी सेवन माइनस कर दो वन सेवेंटी नाइन वेदर शिपक्रू मेंबर स्टेज इन इंडिया

ज दन बताइए अब हमें क्या लिखना चाहिए देखिये रेसिडेंशियल स्टेटस का जब भी क्वेश्चन आए और अगर ये इंडिविजुअल पर बेस्ड है तो सबसे पहले आपने लिखना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का आस्पेक्ट मतलब सिक्स वन आपको लिखना बनता है इसी के नीचे आप मैंशन करेंगे एस पर सेक्शन सिक्स वन इनकेस ऑफ शिप क्रू मेंबर he will be treated as resident if he stays in india for at least 182 days or more in previous year 182 days or more in previous year Further, as per Rule One Twenty Six, the period of stay shall exclude the period mentioned in continuous discharge. सर्टिफिकेट सिंस आलोक डू नॉट स्टे फॉर एटलीस्ट वन एटी टू डेज इन प्रीवियस ईयर ही विल बी ट्रीटेड एज बोलो नॉन रेसिडेंट अब अगर वो नॉन रेसिडेंट ही है तो उसको आर ओ आर आर एन ओ आर बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है इज दन क्वेश्चन नंबर फोर इट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो टैक्स प्लानिंग के ऊपर शी रिसीव एन ऑफर फॉर द पोस्ट ऑफ सी एफ ओ फ्रॉम द कंपनी इन सिंगापोर भैया उसको क्या इंडिया छोड़ करके जाना है यस yes. किस ऑब्जेक्टिव से जाना है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पक्की बात ठीक है मतलब एटलीस्ट वन एटी टू डेज इंडिया में रही तो ही रेसिडेंट बनती एज पर द ऑफर लेटर शी कैन ज्वाइन बिटवीन फर्स्ट सप्टेम्बर टू थर्टी फर्स्ट तो ऑफर लेटर के हिसाब से वो फर्स्ट September से थर्टी फर्स्ट अक्टूबर में कभी भी ज्वाइन कर सकती है कंपनी को शी अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग इशू वो आपसे पूछना चाहती है आपकी बड़ी फैन है आपसे पूछना चाहती है कि मैं क्या करूँ कब जाऊं चालों का डेट बाय विच शी शुड लीव इंडिया बताइए कैसे निकालेंगे कब तक उसको इंडिया से निकल जाना चाहिए इंडिया छोड़ देना चाहिए वो एडवाइस क्या मांग रही है ताकि आपका टैक्स कम हो सके मिटिगेट हर टैक्स लाइबिलिटी बताइए निमीज पूछ रहा है सर हमने नाइन डेज क्यों काउंट किए बेटा नाइन डेज काउंट करेंगे ना उतना पीरियड सीडीसी में सी में मेंशन है तो काउंट करना ही पड़ेगा आप एट नहीं कर सकते बताइए कौन से दिन तक के उसने निकल जाना चाहिए आपके हिसाब से हुँ? अगर आप देखोगे एटलीस्ट वन एटी टू होना चाहिए कैलकुलेटर उठाओ सिखाता हूं अप्रैल के तीस थर्टी वन फॉर मे थर्टी फॉर जून थर्टी फर्स्ट फॉर जुलाई थर्टी वन फॉर ऑगस्ट प्लस ट्वेंटी नाइन फॉर सेप्टेंबर बराबर है यानी उन्तीस सप्टेंबर से पहले अगर वो निकल गई तो वन एटी टू कंप्लीट होता नहीं अब आर ओ आर बन गई तो टैक्स ज्यादा आएगा यही एनआर रही तो टैक्स कम आएगा तो उसने क्या इंडिया 29 सितंबर से पहले ही छोड़ देना चाहिए

नहीं छोड़ेगी तो इट्स बेटर कि वो पैसा कहां रखे फॉरेन और बाद में इंडिया में रेमिट कर दे इंडिया में जो पैसा रेमिट होता है फॉरेन से वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि रेमिटेंस रेमिटेंस इनकम इनकम नहीं 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 है नहीं है नहीं है क्या तो आप क्या सजेस्ट करोगे क्या पॉलमी को कि तू इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ले नहीं हम ये सजेस्ट करेंगे पैसा भी फॉरेन में ले एंड उसको बाद में इंडिया में क्या कर देना रेमिट क्योंकि रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम तीसरा

question number 4 point number a a person shall be considered as resident if he stays in india for 182 day or more in previous year or or 60 days in previous year and 365 days in four previous preceding year further if a person is leaving india for employment he must stay in india for at least 182 days in order to mitigate the tax we would suggest follow me to leave india before 29th of september 2023 that is, stay in India for less than uh, one eighty two days to mitigate the tax. बच्चा कह रहे सिक्सटी डेज के क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे मेरे मेरे होने वाले बच्चों के चाचा ऐसा हो ही नहीं सकता ना बेटा पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्सटी डेज वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है इफ द अमाउंट इज received In India, it would be taxable to resident or non resident. Hence, we would suggest not to receive the amount. In India, we would suggest not to receive the amount in India instead, receive the amount in foreign and Remit the amount in India that won't be taxed. Everybody done. See, Anji, how many days should she live in India in order to evade the tax, mitigate the tax? She should never stay in India for more than 182 days. We would suggest not to stay for one eighty two days or more in India during her leave in order to avoid taxation provision. रोहन मेरे से पूछ रहा है सर जो आप नंबर ऑफ़ डेज लेंगे वो असेसमेंट ईयर के 365 लेंगे कि प्रीवियस ईयर के 365 लेंगे बेटा प्रीवियस ईयर के बिकॉज़ वी कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर हम प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ़ डेज देख रहे हैं इसीलिए 23 24 प्रीवियस ईयर है चलो मैं आपको जीरो से बताता हूँ फिर से हाँ आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है मतलब एक चार दो हज़ार तेईस से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार चौबीस इस बीच में है ना फरवरी दो हजार चौबीस आ रहा है जिसमें ट्वेंटी एट हर साल ट्वेंटी एट होता है लेकिन लीप ईयर में ट्वेंटी नाइन डेज होता है तो आप प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ डेज देख रहे हैं बेटा हाँ ऐसा और किसी को कोई सवाल बेटा थर्ड सवाल था, ये पक्का ये डन हो गया चलिए मैं एक एग्जाम्पल भी रखता हूं आपके सामने आप मेरे को बताइएगा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट आरओ आर या आर एनओ आर आर ओ आर ओब्लिक आर आर ठीक है हाँ लिखना है रजिस्टर में कुछ और सवाल पहला तेजस का सर सीडीसी के कौन से डेट्स देख के हैं जितना पीरियड सीडीसी में मेंशन है अगर 6 जून से 9 दिसंबर लिखा है तो 6 जून भी इंक्लूड करना है 9 दिसंबर भी इंक्लूड करना है जितना मेंशन सीडीसी में है उतना एक्सक्लूड कर देना दूसरा सवाल हो सकता है आप में से किसी के सवाल हो दूसरा सवाल आ, सर क्यू मेंबर रेसिडेंट होता तो आर ओ आर कैसे फाइंड करते सिक्स वन के हिसाब से कोई और क्राइटेरिया तो है ही नहीं शिप क्रू मेंबर अगर रेसिडेंट है तो वन एटी टू डेज ही क्राइटेरिया है सिक्सटी डेज का क्राइटेरिया उसके लिए है ही नहीं बेटा ठीक है सर और कुछ डे लीव्स इंडिया एंड दी कम्स टू इंडिया बोथ आर जनरल सी सीडीसी में वो कारण नहीं होगा चलो सर कल का होमवर्क डिस्कस करो ना आते वही तो क्या सबसे पहले कौन सा अच्छा वो चैप्टर नंबर वन के एंड में डिस्कस करते हैं अभी बेटा रेसिडेंट के बीच में तुम ये फालतू पॉइंट डालोगे तो कैसे चलेगा रेसिडेंट के बीच में कैक को डाल रहे हो ये आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बताइए सारे केसेस बाकी की मैं क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ 360, 380 एट्टी तो हो ही नहीं सकता ना मीटम सर आर ओ आर आर एन ओ आर क्यों निकालते हैं ये बताइए बताऊंगा okay, रुकिए थोड़ा सा सेक्शन 5 में आपको समझ में आएगा क्योंकि जो टोटल इनकम कंप्यूट होता है ना वो आरओआर का अलग होता है आरएनओआर का अलग होता है और आरएन यू नो एनआर का अलग होता है ये सेक्शन 5 में समझता है इसके लिए होल्ड कीजिए ये गुड क्वेश्चन है इसके लिए होल्ड कीजिए पर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है इधर समझेगा अभी सरप्राइज हूँ क्या ये फास्ट ट्रैक सच में वही बच्चा देख रहा है जिसने एक बार पहले पढ़ा है अब यहाँ पर दो ही सिचुएशन हो सकती है बेटा या तो तुम पढ़ी पहली बार रहे हो या तो जो पहली बार पढ़ा है ना वो बहुत ही गलत इंसान से पढ़ा है मतलब शायद उसको भी कुछ नहीं आता होगा यू ऑल्सो सजेस्ट दैट टीचर टू लुक एट माई फास्ट ट्रैक मतलब ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है यार आप अगर पहली बार डायरेक्टली फास्ट ट्रैक देख रहे होंगे ना तो मैं आपसे कहूंगा रिफ्रेन करें मत देखें डायरेक्ट फास्ट ट्रैक आप रेगुलर पे जाएं आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है वहां एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताया जाता है बताइए पहला सिचुएशन आर ओ आर आर ओ आर एन आर हाउ मेनी पीपल आर ओ आर No one, here how many people are in or very good four four people are in or okay बताइए इनके साथ क्या किया जाए मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए बताइए क्या गलती की इन्होंने आर ओ आर आर एन नो आर करके समझ में आया बच्चे क्या गलती की देखिए किसी भी व्यक्ति को रेसिडेंट बनाना है एवरीबडी रिपीट विद मी वॉट इज द लॉ अ पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in four previous preceding year बराबर है at least कितने दिन होना चाहिए previous year में आपने 60 या at least 182 होना चाहिए अगर मैं पहला problem देखूँ वो 182 है नहीं फिर मैं ढूँढता हूँ at least 60 तो भी है क्या अगर आप देखेंगे एटलीस्ट सिक्सटी भी नहीं है मतलब सिक्स वन की दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी अगर आप नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे कौन से क्राइटेरिया में चल जाएंगे नॉन रेसिडेंट सबको समझ में आया जिन्होंने गलती की थी क्या गलती की थी एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी नहीं है वाई ही इज अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज एटलीस्ट सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड सर सर थ्री सिक्सटी फाइव तो है ना वो एंड है आप पीछे वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे है? आगे का क्या अरे <laughs> कंडीशन आप जब भी रीड करेंगे वो कंबाइंड रीड करोगे ना ऐसा थोड़ी न होगा आप बोलोगे कि सर 365 365 तो है 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 60 डेज का बेसिक कंडीशन एंड एंड वो मतलब आपको उस लाइन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जब 60 नहीं हो रहा 365 होने नहीं, नहीं वाला दूसरे पे आते हैं दूसरे पे आते हैं चेक करिए अगेन वही एटलीस्ट सिक्सटी डेज वन एटी टू का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं तो एटलीस्ट सिक्सटी डेज देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट डेज है यस yes. प्लस पिछले चार सालों में और पिछले प्रीवियस प्रेसिडेंट ईयर में चार सालों में उसने एटलीस्ट कितने दिन होना चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो वन टू थ्री फोर इन चारों सालों में मिला के थ्री सिक्सटी फाइव डेज है क्या यस yes. तो ये क्या बन गया रेसिडेंट तो बन गया ठीक है एटलीस्ट सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर लेकिन सिर्फ रेसिडेंट बना के तो काम नहीं चलेगा इसे या तो आर ओ आर बनाना है या तो आर एनओ आर बनाना है अगर मुझे इसे आर एनओ आर बनाना है या आर ओ आर बनाना है सॉरी आर ओ आर बनाना है तो दो कंडीशन चाहिए दस में से कोई भी दो साल वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट मेरे हिसाब से वो यहां रेसिडेंट है क्योंकि 182 डेज से ज्यादा है यहां पे भी ट है ज्यादा है इनफैक्ट यहाँ पे भी रेसिडेंट बोलो तो चलेगा क्या सिक्सटी डेज इन प्रीवियस इंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस ईयर मुझे तो दस में से कोई भी दो चाहिए थे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दस में से दो तो चलो दस में से कोई भी दो साल वो क्या होना चाहिए था रेसिडेंट होना चाहिए था कंडीशन सेटिस्फाइड प्लस प्लस रेसिड प्लस उसने एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज रहना है सेवन प्रीवियस प्रिसडिंग ईयर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तुम इधर दो ही देख लो तो सेटिस्फाई हो जाता सेवन थर्टी डेज से ज़्यादा हो पिछले सात सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले तुम क्या सेवन थर्टी डेज हो इन सेवन प्रीवियस प्रिसडिंग ईयर यस तो आप बन जाओगे आर ओ आर आपको समझ में आया क्राइटेरिया तीसरा क्राइटेरिया एटलीस्ट वन एटी टू डेज इंडिया में रहना चाहिए था मतलब वो यहाँ क्या बन गया रेसिडेंट ये तो ठीक है अब आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है दो कोई भी दो साल रेसिडेंट होना देखो यहाँ पे भी रेसिडेंट मिलेगा वो सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर यहाँ पे भी रेसिडेंट मिलेगा 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर मतलब टू आउट ऑफ टेन वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है अब सात सालों में उसने एटलीस्ट कितने दिन होने चाहिए सेवन थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एटलीस्ट कितने दिन होने चाहिए थे सेवन थर्टी यहाँ पे वो एटलीस्ट कितने दिन है सेवन हंड्रेड द अदर कंडीशन इज नॉट सेफाइड और आर ओ आर बनाने के लिए एक कंडीशन चाहिए थी या बोथ कंडीशन चाहिए थी बोथ कंडीशन चाहिए थी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो सीधे सीधे क्या बन जाएगा आर एन ओ आर वन बाई थ्री क्वेश्चन ऑफ एन आर आर ओ आर आर एन ओ आर क्राइटेरिया सबको समझ में आया जितने बच्चे ऑनलाइन जिनको नहीं समझ रहा था अब समझा क्या बेटा प्लीज बताना एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट नो स्टूडेंट नो काइंड ऑफ डाउट पक्का इंक्लूड किया था बेटा आर्यन आप नंबर ऑफ डेज एक बार कैलकुलेट करो सबको समझ में आया परफेक्ट बढ़वा आगे ये देखिए इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर एज मेंबर और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज फॉर एटलीस्ट वन एटी डेज बराबर है मालिक अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर ये जो फोर्थ पॉइंट लिखा है आपने उसके आगे अगर जगह खाली हो तो फिफ्थ नहीं तो आगे नेक्स्ट हेडिंग भी आप दे सकते हो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन Who is outside India and coming to visit in India? Coming to visit in India earns less than fifteen lakh. Fifteen lakh or more from India. इज दैट डन अब जरा पहले इस चीज के पीछे का हिस्ट्री समझ लो तो आपको पूरा क्राइटेरिया याद आएगा प्यार से समझना देखिए वो क्या रहा था आ, बहुत सारे इंडियंस आपको तो पता था यहाँ पे टैक्स रेट जो था एम एम आर वो कितना था फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट अब वो एम एम आर से इतना ज्यादा परेशान थे वो एम एम आर से इतना ज्यादा परेशान थे वो बोले यार हमारे को रह के मतलब ही नहीं है इंडिया में इंस्टेड राइट right? अच्छा एक बात समझना है जो इतनी हाई वैल्यू ऑफ इनकम कमा रहा है कैन ही इजीली हॉप द कंट्री यस तो ये लोग क्या करते थे आजू बाजू की कंट्री में जाके बस जाते थे अब जैसे मोस्ट एक्सेसिबल यहाँ से क्या है नेपाल मतलब बिहार में तो इतना गजब का सिचुएशन है कि यहाँ पे जब भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं लोग वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके जाते पेट्रोल भरा के नेपाल से वापस आ जाते यस दिस एक्चुअली एक्चुअलीस दिस एक्चुअली राइट तो नेपाल का बॉर्डर हमारे पास से बहुत ईजिली एक्सेसिबल भी है अब लोग क्या करते हैं आपको पता है यहाँ पे रहने के बदले वो दुबई सिलेक्ट कर लेते थाईलैंड सिलेक्ट कर लेते सिंगापुर सिलेक्ट कर लेते नेपाल सिलेक्ट कर लेते ये मल्टीपल कंट्रीज को हॉप करते और मल्टीपल कंट्रीज में मैक्सिमम जगह पे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देते हैं बराबर है अब 2015 में निर्मला सीतारमन जी ने एक नेशनल पैक्ट साइन किया था राइट जिसमें इंडिया के तरफ से कमिटमेंट हुआ था कि ना हम टैक्स चोरी करने देंगे

मैक्सिमम अमाउंट अब जैसे मैं आपको बताता हूं ये प्रोविजन किसके ऊपर सटीक बैठती है पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यस बाय डिफ़ॉल्ट में यस और नो बाय डिफॉल्ट में आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यस अब पाकिस्तानी एक्टर यस yes. या क्रिकेटर मान लीजिए शोएब मलिक साहब ठीक है इंडिया में आए इंडिया में आए राइट right? किसके हस्बैंड सानिया मिर्जा जी के थे सॉरी आई करेक्टेड, थे, 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 आगे ना भाई थे ना ठीक है राइट right? अब फॉरगेट अबाउट इनकी पर्सनल लाइफ इन्होंने क्या किया कॉन्सेप्ट फोकस करो हाँ मतलब अपने को क्या कर लेने ना ना अपने अपने से अपनी नहीं संभल रही <laughs> उसकी संभालने को काम बोलेंगे समझना अब भाई ने क्या किया इंडिया आया और भाई ने

एंड अर्न अप टू फिफ्टीन लैख इंडिया से प्योरली इंडियन इनकम फॉरिन इनकम की बात नहीं कर रहे प्योरली इंडिया से ये कितना कमा रहे अप टू फिफ्टीन लैख ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज फॉर वन एटी टू डेज और मोर अब आप बोलोगे सर ये प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या थी प्रोविजन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी आप करेक्ट एक्सप्रेसिव प्रोविजन नहीं थी लॉ में क्लैरिटी लाने के लिए ये काम किया गया एक्सप्रेसिव प्रोविजन नहीं थी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए बस उसको एक्सप्रेस कर दिया गया यस मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं क्या वी ऑल नो करते हैं किसी दिन वो आपके बर्थडे पे एक कार्ड बना के लिख के दे दें एक्सप्रेसिव प्रोविजन यस और नो कि आपको ऐसे ही चलते फिरते मार दे क्या पागल एक्सपेंसिव प्रोविजन है प्यार से मार रहे सेकेंड पंद्रह लाख या उससे ज्यादा अर्न करते हैं तो अब ये 15 लाख का कोई रीजन नहीं है वाई 15 लाख इन उन्होंने दिया पंद्रह लाख से ऊपर कमाया तो हम एक्सप्रेसिव प्रोविजन लगाएंगे अगर पंद्रह लाख से ऊपर कमाया तो वो कहते हैं ही विल बी ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट if he stays in india for 182 days or more in previous year or 120 days in previous year and 365 days in four previous preceding year आपको अमेंडमेंट समझ में आया था क्या कहाँ हुआ था सिक्सटी डेज़ की जगह उन्होंने क्या कर दिया वन ट्वेंटी डेज़ चलो सो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बींग आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम इज 15 लाख और लेस 15 लाख और लेस रहे वन एटी टू डेज अपने शायद यहाँ लिखते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ करी है यहाँ पे मोर देन फिफ्टीन लैक होना यहाँ पे अन फिफ्टीन लाख और लेस होना हालांकि इतना एक रुपए का टेस्टिंग तुम्हारा इंस्टीट्यूट करेगा नहीं बट फिर भी उटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया इन द प्रीवियस डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर तो सिक्सटी डेज की जगह यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो जाता है वन ट्वेंटी डेज ये क्लियर है मालिक अब सुनो अगर आप 120 डेज से भी कम हैं तो स्ट्रेट अवे आपको क्या माना जाएगा नॉन रेसिडेंट अगर आप 120 से लेकर 182 एटी डेज तक के इंडिया में हैं तो आपको क्या माना जाएगा आर एन ओ आर और अगर आप 182 एटी डेज से ज्यादा है तो आर या आर एनओ आर कुछ भी हो सकता है फिर आपका वर्किंग सेपरेट होगा तो आप अगर 182 एटी डेज से भी कम है आपको स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट मानेंगे 180 से 182 तक के है तो आप आर एन ओ आर क्राइटेरिया में आएंगे और 182 एटी से भी ज्यादा है तो फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बेटा निकालना पड़ेगा इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट लाया सेक्शन सिक्स वन एम्ड रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट सिर्फ किसके ऊपर है ओनली टू इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है यह कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। बराबर है अब जैसा कि इन्होंने वादा किया था निर्मला सीतारामन जी ने ना हम इंडिया में टैक्स चोरी की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे ना इंडियन को कहीं टैक्स चोरी करने देंगे तो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लॉ बनाया कहा इफ अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेयर इन वर्ल्ड एनी वेर इन दर्ल्ड बाई रीजन ऑफ इसल ये उन इंडियन सिटीजन के लिए थे जो मल्टीपल कंट्री में हॉप कर रहे थे बराबर है एक कंट्री में मतलब कहीं पे भी नंबर ऑफ डेज रहते ही नहीं थे यस yes? अब सोच करके देखिए ऐसा हो सकता है क्या मैं आपको एक ही एग्जांपल बता दू ट्रेवलर व यूट्यूबर बेस्ट मतलब दो मिनट में आपको कॉन्सेप्ट लगेगा कि हाँ ये रिलेवेंट हम बात कर रहे हैं अ अ हु इज यूट्यूबर आप सोच करके देखिए वो तो वैसे ही अलग अलग कंट्री में घूम रहा है मेरे बात ना राइट right? जो न्यूज एजेंसीज वाले होंगे जो अलग अलग जगह जाके न्यूज कवरेज कर रहे होंगे इंटरनेशनल कवरेज कर रहे होंगे आप सोच करके देखिए किसी अगर कंपनी का कंट्री हेड होगा तो मल्टीपल कंट्रीज उसके अंदर में आ रही होंगी जैसे साउथ एशिया हेड तो वो मल्टीपल कंट्री में घूम रहा है अलग अलग जगह पे और कहीं पे भी रेसिडेंशियल नहीं कर रहा है मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है आपने अब तक नहीं देखा ये अलग बात है आर यू गेटिंग द पॉइंट अ अ ट्रैवलर हु इज यूट्यूबर वो क्या करेगा वो तो वैसे ही अलग अलग कंट्री घूम रहा है अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक ट्रैवल ब्लॉगिंग बनाते हैं नोमैड्स करके राइट right? इंडियन है राइट right? नोमैड्स करके हैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं आपको हमेशा वो अलग अलग कंट्री में हॉप करते हुए दिखेंगे यस yes, अब इनकम जो जनरेट हो रही है वो मल्टीपल कंट्री में जनरेट हो रही और रेसिडेंशियल स्टेटस एक जगह पे है ही नहीं बट इजी एन इंडियन सिटीजन यस आपको समझ में आ रहा है मतलब कॉन्टेंटिप थियरी कॉन्टेक्ट से नहीं है इसको प्रैक्टिकली भी एस्पेक्ट का समझो तो अगर ये इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया And earn more than fifteen lakh, and he is not liable to tax anywhere by reason of its domicile or stay. He is डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया ही इज डीमड रेसिडेंट इन इंडिया ये एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको जो टूर गाइड्स होते हैं वो जैसे केसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स अगर आप देखेंगे ये हर पंद्रह दिन में क्या करते एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के किसी दूसरे कंट्री में चल जाते अब उनका काम ही वही है अब समझो एयर हॉस्टर्स एयर हॉस्टर्स हो गया पायलट हो गए अब इनका काम ही है ये ना यार ये मल्टीपल कंट्री में ऑफ करे जा रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं ये कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट है कि नहीं बताना यस yes? येसो so अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है हु इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ही अर्न मोर देन फिफ्टीन लैक तो ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट तो बना लिया स्ट्रेट इनको क्या किया किया जाता जाता है है तो क्या क्या तो बोला बेटा मैंने अनलेस अदरवाइज कंडीशन इज सेटिस्फाइड राइट स्ट्रेट अवे इसे क्या बनाया जाता है आर एनओ आर अब अपन ने आर ओ आर कहीं लिखा पड़ा है आर एन ओ आर में जाइए यहां मैंने आपसे छ लाइन खाली छुड़वाई थी यहां पे लिखिए डीम्ड रेसिडेंट एस पर सिक्स वन ए तो जो बंदा डीम्ड रेसिडेंट है एस पर सिक्स वन ए वो बाई डिफॉल्ट में कौन है आर एन ओ आर नेक्स्ट रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ऑब्लिक पी आईओ स्टे एक्सीड वन ट्वेंटी डेज बट लेस देन बोलो वन एटी टू डेज समझ में आया उसको भी हम स्ट्रेट अवे क्या क्लासीफाई कर रहे थे आर एन ओ आर अब लॉजिक समझ में आया स्पेस क्यों छुड़ाया था अब तुम समझ के लिख रहे हो राधर देन सिर्फ लिख रहे हो आहो, चलो अब पूरे चार्ट को एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से आओ इंडिविजुअल से देखो हमने कितना सारा पढ़ा और हम जीरो से वापस चालू कर रहे हैं जहां से स्टार्ट किया था क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन के लिए डिटरमाइन होता है क्या ये ईयर टू ईयर चेंज होता है रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटर फॉर प्रीवियस ईयर क्योंकि हम इनकम कब की निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर तो बेटा नंबर ऑफ डेज भी प्रीवियस ईयर के काउंट होंगे ठीक है अच्छा एन इंडिविजुअल स्टार्ट कीजिए चार्ट को इमेजिन कीजिए आपने बनाया है एन इंडिविजुअल कैन इधर भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन दोनों में से एक ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज शिप क्रू मेंबर उंट करते रहेंगे लिखा होगा उतना क्या कर देंगे माइनस यहां थ्री सिक्सटी सिक्स पकड़ना है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के लिए याद आ रहा है फिर हम लोगों ने बात करी थी अगर रेसिडेंट है तो हमें उसे फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा आर ओ आर आर एनओ आर बनाने के लिए कितनी करनी कर है सर दो कौन सी दो कंडीशन है बताओ ही इज रेसिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन क्लियर है नहीं तो आर आर ये ठीक यहां से हम गए आगे हमने देखा ये वाला लॉ अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट और इस विजिट में वो पंद्रह लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस फिस्कल ईयर फिर हमने देखा डीम रेजिडेंट का कांसेप्ट जो सिर्फ इंडियन सिटीजंस के लिए है इंडियन सिटीजंस इसको पी ओ आई न रखने का एक बहुत बड़ा सा सिंपल सा रीजन है पाकिस्तान का जो पीपल होगा वो पी हो yes no? लिया होगा उनके ऊपर भी लॉ लग जाता That's why PIO को एक्सक्लूड किया यहां से तो इंडियन सिटीजन इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया बट इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेर इन वर्ल्ड बाई रीजन ऑफ इट्स डोमासाइल और स्टे एन इंडिया से वो एटलीस्ट कितने से ज्यादा कमा रहा है 15 lakh. तो वो उसे क्या मान लेंगे डीम्ड रेसिडेंट और डीम्ड रेसिडेंट क्लासीफाई करके हम सीधा क्लासीफाई करेंगे आर एन ओ आर यहां तक के सबको क्लियर है ये क्वेश्चन ठीक है आओ इधर रेसिडेंट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सिक्स वन An individual being a citizen of india not p o i having total income other than foreign income exceeding fifteen lakh shall deem to be resident in the previous year if he is not liable to pay tax in any other country territory by his domicile resident or any other criteria if a person is deemed resident, he shall be deemed to be r n o r next person of Indian origin mathluk Ki if और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन टू अन के लिए कितनी कंडीशन है टू आउट ऑफ टेन वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रिडिंग ईयर आर एन ओ आर अगर बनना है कितने क्राइटेरिया है पहला आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए नाइन आउट ऑफ टेन ईयर में आर ओ आर के लिए कितनी कंडीशन थी टू आउट ऑफ टेन अगर आप नाइन आउट ऑफ टेन अगर एन आर रहे तो आप बाई डिफॉल्ट में आर एन ओ आर बन गए दूसरा आपने एटलीस्ट कितने दिन रहना चाहिए था सेवन थर्टी तो अगर आपका सात ईयर में ओवरऑल स्टे ही कितने दिन का रहा सेवन ट्वेंटी नाइन डेज तो आप क्या बन गए आर एन ओ आर अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है सिक्स वन ए के हिसाब से या आप इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो एटलीस्ट वन ट्वेंटी डेज से लेके वन एटी टू डेज तक के हैं इंडिया में क्लियर है आर एन ओ आर का डेफिनेशन भी रूल 126 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ऑफ इंडिया अ मेंबर शिप क्रू यस द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एज मैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये भी देखो एक ही कंसेप्ट में कितने कंसेप्ट पढ़ लिए हमने अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है बात समझ लेना पूछते भी नहीं आता भी नहीं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ सबसे पहले एक बात बताइए एच यू एफ कैन वुमेन भी करता यस कैन ऑफ वुमेन भी करता यस एच यू एफ के कितने स्कूल ऑफ लॉ है तो कौन कौन से मिताक्षराय दया भा का सर आ, घर में एक सीनियर मेंबर है या जूनियर मेंबर को भी कर्ता बनाया जा सकता है क्या जूनियर मेंबर को कर्ता बनाया जा सकता है सीनियर सिटीजन होने के अलावा ये सो नो बनाया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बिल्कुल बनाया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन छोटा सा एक एग्जाम्पल दू आपको प्रैक्टिकली समझिए घर के जो सबसे सीनियर सिटीजन है वो बेड रिडर्न है अब मुझे बताइए क्या कैन दे टेक द डिसीजन ऑफ बिजनेस समझ में है प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है यस कैन बी डन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन यस कैन अ मैन बी इन टू एच एफ एक आदमी की दो बीवी हो सकती है इस बारे में डाउट नहीं है कैन अ पर्सन हैव टू टू कैन अ पर्सन बी इन नो नहीं हो सकता वुमेन बी इन टू एच यू एफ येस वो अपने पप्पा के एच यू एफ में भी रहेगी अपने पति के एच यूएफ में भी रहेगी तो वुमेन कैन बी इन टू एच यू एफ मैन कान बी टू एच यू एफ ठीक है yes. बरे बरे? सर मान लो किसी की दो शादी हुई क्या वो दो एच यू एफ रख सकता है हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ अलाउड नहीं है हाँ आप ऐसा हो सकता है कि आपने कर ली हो और आप खुशी से रह रहे हो पर ये हिंदू लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है ये सुनो हाँ अदर कास्ट में हो सकता है नहीं हो सकता अपने अपने लॉ अलग के अलग हो सकते हैं चलिए अब मैंने इतना सब डिस्कशन क्यों किया ये सब आपके चैप्टर नंबर वन के अंदर में है इसके लिए तो एक बार बस टच कर दिया एग्जाम में आएगा नहीं मेरी जिम्मेदारी थी मॉड्यूल के हिसाब से आपको सारी चीजें बताने की बता दिया अब आते हैं एच ओ भी दो क्राइटेरिया से डिसाइड होता है इट कैन बी रेसिडेंट इट कैन बी नॉन रेसिडेंट यस इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो इन्हें क्या माना जाता है रेसिडेंट अगर एचओ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली भी इंडिया में रहा तो वह रेसिडेंट होगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो ही वो क्या माना जाएगा नॉन रेसिडेंट अब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है इसका मतलब होता है कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अगर से रिलेटेड पार्टली भी इंडिया में होते हैं या होली भी इंडिया में होते हैं ये क्या माने जाते हैं रेसिडेंट बराबर है एच को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है आर ओ आर आर एनओ आर के अंदर क्लासिफाई किया जाता है आर ओ आर आर एनओ आर के अंदर में अगर एच यू एफ का करता सिक्स सेटिस्फाई -सिक कर देता है

ओनली इंडिविजुअल और एच को ही हम आर ओ आर आर एन ओ आर में क्या करते क्लासीफाई ओनली इंडिविजुअल और एच को ही हम आर ओ आर आर एन ओ आर में क्या करते हैं क्लासीफाई बराबर है रजिस्टर में जाओ रेसिडेंशियल स्टेटस रुको यहां लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर क्या हुआ स्क्रीन नहीं दिख रही ठीक है मेरी आवाज सुनो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एच यू एफ उसके नीचे लाइन में लिखना रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फर्म ऑब्लिक अदर और उसके नीचे लाइन में लिखना रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी उसके आगे तीनों को कॉमन एरो करके लिख देना रेफर नोट्स बराबर हेडिंग दीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच बिल्कुल उसी के नीचे की लाइन में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म बिल्कुल उसी के नीचे की लाइन में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी लिख लिया बराबर कॉमन बर। एरो करो लिख दो रेफर नोट्स हमने ऐसा क्यों किया एग्जाम बंटफ्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्स में ऑलरेडी शॉर्ट करके दिया है अननेसेसरी जगह पे टाइम पास नहीं करना है आ जाओ इधर फर्स्ट पेज पे आओ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स लिखा है अब देखिए आरओआर आरएनओआर का कांसेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है बाकी सारे असेसी को हम या तो रेसिडेंट बनाते हैं या तो नॉन रेसिडेंट बनाते हैं या तो रेजिडेंट बनाते हैं या तो नॉन रेजिडेंट्स बनाते हैं बराबर है अगर अदर पर्सन को रेजिडेंट बनाना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली सिचुएटेड इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो क्या माना जाएगा रेसिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो क्या माना जाएगा नॉन रेसिडेंट अब अदर पर्सन में कौन आ गया सर फर्म आ गया एल एल पी आ गया लोकल अथॉरिटी आ गया एओपी आ गया बीओ आई आ गया एजेपी आ गया इन सब के लिए क्राइटेरिया सिक्स सबसेक्शन फोर

आपको आसानी से समझाना बस इसलिए नहीं पूछता आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज बराबर अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज के ऊपर कंपनी दो तरह से क्लासिफाई होती है इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी कंपनी कितने प्रकार से क्लासिफाई होती है दो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी भारतीय कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट ये, ये सोनो भारतीय भारत से तो बाहर जा सकता है पर उसके अंदर से भारत कहीं बाहर नहीं जा सकता ये बात तो पक्की है तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया तो रेसिडेंट पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट अब आप ये पूछेंगे सर पोयम का मतलब क्या है वाह बेटे वाह तो मैं चालीस मार्क देता हूं मैं इसमें है ना बचे हुए साठ खुद ला लेना बात कही बेटे वाह प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट द बेस्ट पार्ट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकाला जाएगा ये फाइनल्स में कवर्ड है ये कैसे निकाला जाएगा ये कहाँ कवर्ड है फाइनल्स सॉर्टेड तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट फॉरन कंपनी में आपको क्या देखना है पोयम याद रखिएगा इंडिया में कविता होती है Foreign में ही पोएम होती है। है? तो ये जो poem का criteria ये जो का हैोयम आउटसाइड इंडिया तो क्या बेटा नॉन रेसिडेंट अब ये पोएम कैसे निकालते क्या निकालते ये कहां का क्राइटेरिया हो गया फॉरेन ठीक है चलो रिवाइज वन मोर टाइम हमने आज सेक्शन सिक्स खत्म कर दिया सिक्स वन इज फॉर इंडिविजुअल सिक्स वन ए इज फॉर इंडियन सिटीजन सिक्स टू इज फॉर एच यू एफ सिक्स थ्री इज फॉर कंपनी सिक्स फोर इज फॉर अदर्स अब देखो सेक्शन याद रखने के तरीके एक आदमी इंडिविजुअल होता है दो लोग मिलकर घर बनाते हैं कंपनी तीन प्रकार की होती है पब्लिक प्राइवेट ओपीसी कंपनी कितने प्रकार की होती है तीन बाकी सबको चारों दिशाओं में फेंक दो समझ में आए चार तरीके से याद रख सकते हो सिक्स वन इज फॉर वैसे सेक्शन याद रखना एक टोटल वेस्ट एक्टिविटी है स्टिल अगर हो सकता है तो याद कर लो सिक्स वन इज फॉर इंडिविजुअल एक आदमी इंडिविजुअल होता है दो लोग मिलकर घर बनाते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है तीन पब्लिक प्राइवेट ओपीसी बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक देने का क्लियर है ओके okay. स्टार्ट उल्टा स्टार्ट करेंगे अदर्स के लिए रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बाजू करो कंपनीज के लिए इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट फॉरेन कंपनी पीओएम इन इंडिया रेसिडेंट पीओएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट पीओएम का कांसेप्ट बहुत बढ़िया आगे बढ़ो एच यू एफ केस में इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया रेसिडेंट अदरवाइज नॉन डरताल एच यू एफ आर ओ आर एल्स होल एच यू एफ आर एन ओ आर ठीक है अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया आंस मोर देन एंड इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेयर तो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट स्ट्रेट अवे आर एन ओ आर सिक्स वन लास्ट टाइम रिपीट कर दो ये पढ़ने का इच्निघर जाके हाँ इधर भी रेसिडेंट है तो स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस इयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस इयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो आर ओ आर आर एन ओ आर आर ओ आर के लिए कितने क्राइटेरिया है दो ही इज रेसिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर नहीं तो आर एन ओ आर क्लियर है पक्का तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब वन एटी टू डेज शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज में से उतना पीरियड नहीं माइनस कर देंगे जितना सी डी सी मेंशन होगा आ साल में नंबर ऑफ डेज कितने लेने क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकलता है पर्सन टू पर्सन चेंज होता है इज रेजिडेंशियलशिप सेम थिंग पक्की बात ये था पूरा सेक्शन सिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा अब आगे अच्छा ये बंदे यार नहीं आया इधर से गड़बड़ है जीवन में वाया। चलो ठीक है आज का टारगेट आज का टारगेट क्या है ध्यान से सुनो टारगेट ठीक है मैं फोटो भी भेजूंगा सबसे पहले आज का टारगेट है आपको एग्रीकल्चर क्या करना है कंप्लीट आपको एग्री पूरा का पूरा कंप्लीट करना है रेसिडेंशियल का सेक्शन सिक्स वन वन ए टू थ्री और फोर पढ़ना है तो आपको पूरा टारगेट में टेलीग्राम के ऊपर भेज रहा हूं बस अभी एक सेकेंड के अंदर में ये पहुंच गया आपके पास आया क्या नहीं आया गॉड जो होमवर्क हमारा बचा है वो कल चेक कर लेंगे टूडेज टारगेट ये आज के आज कंप्लीट करना है और एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सॉल्व करके आना है इज एट डन यस चलो मिलेंगे आपसे कल तब तक के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरे भारत तक क्या आपको इस वीडियो को पहुंचाना है क्योंकि ये सब के लिए है बाय बोलेंगे दूंगा टेस्ट जो है वो ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं मैं डोंट वरी जो आपको बोला है वो जरूर हो जाएगा अबे थोड़ा तो मतलब जो डाउट भेज रहे बाई भेज रहे अरे थोड़ा आराम से एक कमेंट करने बोले नहीं पांच छह हजार कमेंट कर डालते दन दन, दन दन रुको रे सर आपसे पढ़ के अच्छा लगा थैंक यू मेरे को भी पढ़ा के अच्छा लगा यस बेटा आप कर सकते हो हाँ बेटा सी एस सी एम ए वालों के लिए भी है सर सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं बेटा सर जो आप मार्क कर रहे हैं वो सीएमए में भी मार्क मतलब इंपॉर्टेंट है क्या मैं बेटा हर सी ए सी एस सी एम ए सबके लिए जब मैंने आपको पहले दिन बोल दिया तो हर रोज ये सवाल ही पूछना बंद कर दो ये सी ए के लिए क्या ये सी एम ए के लिए क्या जो बोल रहा हूँ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है इधर से इधर से सर क्वेश्चन एयर का पीडीएफ भाई पीडीएफ मत मांगो यार बहुत लोग बना बना के बेच भी रहे मालूम दूंगा चल बाय बाय